कहा जाता है कि अगर तुम मुसलमान के साथ खड़े रहोगे तो हिंदू तुमसे भिदक जाएंगे, हिंदू वोट तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे, और ये बहुत शर्म की बात है। मुसलमानों के कत्ल में शामिल लोगों को तो पुलिस हमेशा ये कहती है, और ख़ासकर दिल्ली पुलिस ये कहती है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मुसलमान के साथ कुछ हो तो मुसलमान के साथ हमदर्दी भी ना जताओ। तो दिल्ली में हमने ये देखा कि जब मुसलमानों का कत्ल हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल नहीं गए, जबकि वोट उन्हीं को दिया था। मुसलमान विरोधी घृणा पर आधारित शासन है, वे मुसलमानों के साथ जुल्म को न सिर्फ बर्दाश्त करते हैं बल्कि अच्छा समझते हैं, और उसके ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने नाम नहीं हटाया, दूसरी खबर ये आ रही है कि नाम हटा दिया। जो भी हो, यह बात तय है कि पंचायतें खुलेआम हुई और पंचायतों में कहा गया कि मोनू मानेसर कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो यहीं है, वो कायर नहीं है, वो कहीं भूमिगत नहीं हुआ है, जब कहो खड़ा कर देंगे, लेकिन अगर कोई पकड़ने आया तो उसकी टांग तोड़ देंगे। ये खुलेआम धमकी है, और इस धमकी के बाद पुलिस को क्या करना चाहिए धमकी देने वालों के साथ, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो धमकी देने वाले हैं वो भी सीना जोरी के साथ धमकी दे रहे हैं, और उनको इस बात का यकीन है कि हरियाणा पुलिस उनके साथ रहेगी। राजस्थान पुलिस अगर दबिश करने जाए तो हरियाणा पुलिस उनका साथ देगी कि नहीं, इसकी गारंटी राजस्थान पुलिस को नहीं है। और ये हम पिछले दिनों देख चुके हैं कि अगर कोई अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसके राज्य में है, तो वह पुलिस उसे उसकी पुलिस पकड़ने नहीं देती है ना, बल्कि कई बार छीन कर ले जाती है अगर पकड़ लिया जाए, हम इस चीज़ को देख चुके हैं। तो यह एक ऐसा मसला है जिसमें दो राज्य हैं और एक राज्य की पुलिस को कोई इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि इन अभियुक्तों को पकड़ा जाए। हाँ, यह बात सिर्फ तकलीफ देह नहीं है, ये बात बहुत शर्म की है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उस गांव नहीं गए और जुनैद और नासिर के परिवार वालों से नहीं मिले, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और ये बहुत स्पष्ट है कि और यह बात हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, और ये भारत के लगभग तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों की कहानी है कि अगर मुसलमान के साथ कुछ हो तो मुसलमान के साथ हमदर्दी भी न जताओ, उसके साथ खड़े न रहो, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर तुम मुसलमान के साथ खड़े रहोगे तो हिंदू तुमसे भिदक जाएंगे, हिंदू वोट तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। और ये बहुत शर्म की बात है उन दलों के लिए जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनको खुद को धर्मनिरपेक्ष कहना बंद कर देना चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए सर जो पॉलिटिकल पार्टीज है या पक्ष जो है वो काम कर रहा है, मतलब मुझे नहीं मालूम आप राजनीतिक फ़ायदा किसको कहते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, उसका ज़रिया चुनाव है, चुनाव में मतदाता होते हैं, अगर मतदाताओं की पहचान हिंदू में बदल जाए और हिंदू ऐसा हो जो मुसलमानों के साथ हमदर्दी को बुरा मानने लगे तो राजनीतिक दल ये कहेंगे कि ये हमारी मजबूरी है कि संख्या उनके पास ज़्यादा है, हम उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। तो यह एक दूसरे तरह से खुद हिंदू समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि उनके बारे में राजनीतिक दलों का ख्याल ऐसा क्यों है कि वे मुसलमानों के साथ जुल्म को न सिर्फ बर्दाश्त करते हैं बल्कि अच्छा समझते हैं, और उसके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। विपक्ष में डर है सर, क्या मोनू मानेसर? बहुत बड़ा डर है सर, मोनू मानेसर जैसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए खुद आकर। कोई भी कानूनी प्रक्रिया यही कहेगी कि उन्हें शामिल होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में गुंडे तो कभी शामिल नहीं होते हैं, खुद से खुद गिरफ्तारी नहीं देते हैं। फिर गिरफ्तारी हमेशा पुलिस के पास अपने पैरों से चलकर ईमानदार लोग जाते हैं। सर उमर खालिद गए, खालिद सैफी गए, बाकी लोग गए, कोई छिपा नहीं। लेकिन शुरू से अगर हम देखें मुसलमानों के कत्ल में शामिल लोगों को तो पुलिस हमेशा ये कहती है, और ख़ासकर दिल्ली पुलिस ये कहती है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दिल्ली में 2020 में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस वालों ने ठोकर मार मार कर मुसलमानों को जन गण मन गाने के लिए कहा। अब पुलिस कह रही है हम उन 5 पुलिस वालों को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये उन्हीं के लोग हैं। तो इससे आप अंदाज़ कर सकते हैं कि पुलिस को दरअसल इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हरियाणा में धमकी दी जा रही है, तो राजस्थान कम से कम, और हरियाणा पुलिस ये सोच रही है धमकी हमें नहीं है, राजस्थान पुलिस को है, इसलिए बात ठीक है।
है ना। लेकिन 2020 में दिल्ली की सड़कों पर आपने नारे सुने होंगे, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, ये नारा सुना होगा, मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और इन नारों से पुलिस को शर्म आनी चाहिए थी। इसका मतलब है गुंडे ये समझते हैं कि वे और पुलिस साथ हैं, है ना। लेकिन पुलिस ने इसका बुरा नहीं माना, अच्छा माना। एक अकेले राहुल गांधी को अगर हम हर मर्ज की दवा बना देंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अखलाक के यहाँ गए थे, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हमला हुआ तब गए थे, और राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बताया गया था। तो यह ज़रूर है कि राहुल गांधी को राजस्थान भी जाना चाहिए, राहुल गांधी ना जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जाना चाहिए और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी जाना चाहिए। तो दिल्ली में हमने ये देखा कि जब मुसलमानों का कत्ल हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल नहीं गए, जबकि वोट उन्हीं को दिया था इन लोगों ने, और उनको मारा यह कह के गया था कि और वोट दो आम आदमी पार्टी को, तुम्हारे साथ हम यह करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल उनसे कतरा गए, बच गए। तो मैंने शुरू में कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि जो दल खुद को धर्म निरपेक्ष कहते हैं उनमें कोई साहस नहीं है, वो इतने कायर हैं कि वे मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात। सर लगातार इस तरह की जिम्मेदारी लगती है, हरियाणा पुलिस गिरफ्तारी करे या राजस्थान पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए? राजस्थान में अगर ये मामला हुआ है, क्योंकि राजस्थान के लोग हैं जो मारे गए हैं, मामला वहाँ दर्ज हुआ है, तो राजस्थान पुलिस गिरफ्तारी करेगी। असम पुलिस गिरफ्तारी करने आती है, फ़ोन करती है, हवाई जहाज़ रोक दिया जाता है, हवाई जहाज़ से उतार लिया जाता है नेता को, और इंतज़ार किया जाता है कि असम पुलिस पहुंच जाए गिरफ्तार कर लेंगे। इतनी तत्परता है, इतनी बड़ी टुकड़ी खड़ी कर दी जाती है CISF की और बाकी घेराबंदी, लेकिन इस मामले में कोई तत्परता नहीं है। तो अगर हरियाणा पुलिस ये नहीं कर रही है, अगर किसी भी राज्य की पुलिस ये नहीं कर रही है, तो खुद उस पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है। इसका मतलब वो प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एक कोएर्सिव आर्म के रूप में। सर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो भी एक अपराधियों में खौफ पैदा करती हुई दिखाई दे रही, तो आपके हिसाब से क्या समाधान दिखता है? अभी जो शासन है संघीय सरकार का, और कई राज्यों में, हरियाणा हो या कर्नाटक हो या कहीं भी हो, उसको ये कहा जा सकता है कि वो मुसलमान विरोधी घृणा पर आधारित शासन है। उसकी कोई रुचि नहीं होगी कि यह घृणा कम हो और यह हिंसा कम हो। यह घृणा जितनी बढ़ेगी और यह हिंसा जितनी बढ़ेगी, उस शासन की जड़ें उतनी मजबूत होंगी। उसकी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। यह दिलचस्पी हमारी आपकी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष दलों की होनी चाहिए, कि वे कैसे इस राजनीति को सत्ता से बेदखल करें। अगर वे नहीं करेंगे, ये घटनाएं अभी आप कह रहे हैं ज़्यादा हो गई हैं, अब ये सुबह दोपहर शाम होंगी, और फिर आप सवाल करना भी बंद कर देंगे।